हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री ऑनर्स जिस भी स्टूडेंट का है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में और ऑनर्स पेपर केमिस्ट्री रखे हैं, तो उसमें हम पार्ट वन में आप सभी को बात करेंगे कि पार्ट वन में आपको कौन सी गैस पेपर लेनी चाहिए और गैस पेपर लेते वक्त आपको क्या क्या ध्यान में रखनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, ये है आप लोगों का सिलेबस केमिस्ट्री का, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है आपका, ठीक है। तो जिसमें आपको, अगर आपको ये पता नहीं हो कि ये आपका सिलेबस है, तो मैं आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आपको आप जाके देख लीजिए सिलेबस के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ। तो इसमें देखिए, यहाँ पे केमिस्ट्री ऑनर्स का जो सिलेबस है उसमें पेपर वन ए है, उसी तरह अगर आप नीचे जाते हैं तो आपको पेपर वन बी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे पेपर वन बी है, ठीक है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर वन बी मिल जाएगा। उसी तरह अगर आप नीचे जाते हैं तो केमिस्ट्री का वन सी भी मिल जाएगा। तो इसी तरह से आपको टोटल मिला के केमिस्ट्री में तीन पार्ट में आपको सिलेबस को डिवाइड किया गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको जो है गैस पेपर भी लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गैस पेपर आपको कौन सी लेनी है और कौन सी अच्छी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है आप लोगों की पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का गैस पेपर है, जो ये A1 का है, लेकिन अभी तक जो है सो एक जसपाल का, जैसा कि मैं बता दूँ, ये A1 का है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, जो आपको मस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लेना चाहिए। तो जैसा कि आपका सिलेबस डिवाइड किया गया, उसी तरह से आपका जो है गैस पेपर भी आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका गैस पेपर A1 का गैस पेपर है, और जसपाल का जो गैस पेपर अभी मार्केट में नहीं आया, मैं इस पर भी डिस्कस करता हूँ कि आपको जो है कौन सी लेनी चाहिए। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप से आप देखें। तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री ऑनर्स ए है, जिस तरह से आप सिलेबस में देखे थे केमिस्ट्री ऑनर्स ए है, उसी तरह आपको एक दूसरी बुक है, देखिए ये दूसरी बुक है जिसमें आपको केमिस्ट्री ऑनर्स बी, यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिस्ट्री ऑनर्स बी, ये केमिस्ट्री ऑनर्स बी हो गया। उसी तरह आपको एक तीसरा बुक लेना चाहिए, लेना होगा केमिस्ट्री ऑनर्स में, देखिए ग्रुप सी। तो इस तरह से आपको केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए तीन जो है गैस पेपर आपको आ जाएगा अलग से। तो तीन गैस पेपर आपको लेना होगा अगर आप ऑनर्स में हैं, सब्सिडरी वाले का इसमें हम बात नहीं कर सकते। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ कौन सा ऑनर्स पेपर अच्छा है, कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, तो ये हो गया A1 का है गैस पेपर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का, और इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है। देखिए आपको यहाँ पे जैसे ही आप भी एक नीचे पे जाइएगा, और आपको देखिए यहाँ पे ध्यान क्या क्या रखना, A1 गैस पेपर है फॉर 2020 एग्जामिनेशन, ये आपको मस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको देखना चाहिए 2020 एग्जामिनेशन है या नहीं। बहुत जगह पर आपको 2019-2021 भी लिखा मिल जाएगा, आप जो है सो उधर ज़्यादा जल्दी में आप जो है गलत कर सकते हैं। और BSc पार्ट वन जो आपको देखना है, और पेपर वन ए है, ठीक है, वन ए की मैं बात कर रहा हूँ, वन बी और सी वो भी सेम इसी तरह से रहता है। और आपको देखिए यहाँ पे ये खजांची रोड, तो आपको जो है मार्केट में ऐसा बुक उपलब्ध है, आपको मिल जाएगा। दूसरी बात जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है वो है आपको प्राइस। देखिए यहाँ पर प्राइस टैग जो है आपको 80 रुपीज़ रहेगा, लेकिन आपको जो है 80 रुपीज़ जो है कोई भी दुकानदार या किसी भी शॉप पे जाते हैं तो आप 80 रुपीज़ मत दीजिएगा, 50% ऑफ होता है, 40 रुपये से ज़्यादा मत दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ इसमें क्या क्या दिया जाता है। तो देखिए इसमें आपको मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर फॉर 2020 एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपको 2020 एग्जामिनेशन के लिए मिल जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन है जिसके आप जो है प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर सकते हैं, और आपको जो है जसपाल का है तो जसपाल का भी ले सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी प्रीफर कर सकते हैं, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही अच्छी बुक है गैस पेपर के तौर पर। अगर मैं आपको कहता हूँ, अगर आप अच्छी तरह से तैयारी किए हैं तो आपको गैस पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं किए तो गैस पेपर को बिल्कुल ही अच्छी तरह से आपको पढ़ के जाना चाहिए। तो देखिए ये 2020 एग्जामिनेशन के लिए जो है उसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसको आप सॉल्व कीजिए और आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीजिए, इसमें जो है 2019 का जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ठीक है। तो उससे आप ये भी पता कर सकते हैं क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है। तो इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ वो 1A का बात कर रहा हूँ, ऑनर्स में है तो आप 1A, 1B और 1C तीन होती है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इसमें हम बात कर रहे हैं 1A का, ठीक है। तो ये इसमें आस्क क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ऑनर्स पेपर का मैं बात कर रहा हूँ, इसमें सब्सिडरी वाले इसको ना देखें, ठीक है। तो ऑनर्स में जो है ये आस्क क्वेश्चन 2019 का है, तो इस टाइप से आपको जो है क्वेश्चन भी मिल जाएगा 2019। इससे आप ये भी पता कर सकते हैं आपको ऑनर्स पेपर में
कैसा क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पूछा जाएगा, इससे आप ये अनुभव अच्छी तरह से लगा सकते हैं। तो सब मिला के बोले तो आपको ये गैस पेपर बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप दो में से कोई भी गैस पेपर प्रीफर करते हैं तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा होगा। तो जैसा मैं बात करता हूँ, इस तरह से मैं ये ग्रुप 1A आपको मैं जैसा सिलेबस दिखाया हूँ 1A, तो 1A का है, ठीक है। उसी तरह आपको 1B ऑर्गेनिक, 1B इनऑर्गेनिक और 1C जो है ऑर्गेनिक, इसी टाइप से आपको मिल जाएगा। और आप जो है सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जो है सिलेबस इस बुक में जो है यहाँ पे आपको स्टेप्स इस बुक को अगर पलटिएगा तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। वो आप सिलेबस को जो है बहुत अच्छी तरह से मिला लीजिएगा, जो ऑफिशियल सिलेबस है। अगर आप वो ऑफिशियल सिलेबस नहीं देखे हैं तो मैं आपको यहाँ पे आई बटन में एक लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप देख जाके देख सकते हैं। और भी आपको जिस भी गेस्ट पेपर पे वीडियो चाहिए, और अगर आप जो है सब्सिडरी पेपर ऑनर्स हिस्ट्री सॉरी फिजिक्स का सब्सिडरी पेपर अगर आप नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको आई बटन में लिंक दे देता हूँ। अगर आपका केमिस्ट्री ऑनर्स है तो ज़रूर आपका फिजिक्स जो है सब्सिडरी में रहा होगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।